मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ देवास में महाआंदोलन किया गया। वन विभाग की मनमानी के खिलाफ खातेगांव के डाक बंगला मैदान पर आयोजित इस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। जेएस नेता रामदेव काकोड़िया ने वन विभाग पर यह आरोप लगाया है कि उनके अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वन विभाग की जिस जमीन पर उनके परिवार का बरसों से कब्जा था उस पर बना कुआं तोड़ दिया और जमीन में गड्ढे कर दिए। इसी को लेकर शुक्रवार को खातेगांव के डाक बंगला मैदान पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से महाआंदोलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों के हित की रक्षा करने और उनके हर संघर्ष में साथ देने की प्रतिबद्धता जताई। मैं आज रतनपुर आया था ये देखने के लिए कि रामदेव काकोड़िया, जो कि जैस का एक बड़ा ही जीवट कार्यकर्ता है, आदिवासी है और जिसने आदिवासियों के हितों की सब लड़ाई सदैव लड़ी है, एक पारिवारिक विवाद में उसके साथ काफी मारपीट हुई और वो तो गनीमत समझिए कि बच गया। मैं उसको जब MI हॉस्पिटल में देखने गया था तो मैं घबराया हुआ था क्योंकि लगता नहीं था वो बच पाएगा, लेकिन मैं MI के डॉक्टरों को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, पूरा ख्याल उन्होंने किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।